भाई जिम फिनिश करने के बाद मैं जा रहा हूँ सीधा गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के आपके साथ करता हूँ जरूरी बात। तो भैया अगर आप आ रहे हो आयरलैंड में या फिर आ चुके हो या फिर किसी भी दूसरी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, यहाँ पे जब भी आप टैक्सी लेते हो, एनीवे भाई मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को गाड़ी में मिला एक ठीक ठाक अमाउंट से भरा हुआ पर्स, मोर देन 25,000 इंडियन रुपीज़ हैं। एनीवे मेरे को जाना है अभी घर पर, घर पर जाकर पर्स को कलेक्ट करना है और देना है किसी को जिसका वो था। भाई इसकी भी एक स्टोरी है, आपको गाड़ी में बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई ये भर लिया मैंने इसका एड्रेस और ये रहा पर्स और ये रही अपनी राम प्यारी। चलो बैठते हैं पहले। तो भाई बाल कैसे कटे हैं कल के वीडियो में आपने देखो ना भाई, ठीक ठाक ही कटे हैं। एनीवे ये जरूरी बात नहीं है भाई, जरूरी बात है मेरे को मिला भाई ये लेडीज पर्स और इसमें भाई ना खजाना भरा हुआ पूरा ना। मैं इसको एनीवे पूरा नहीं खोल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन भाई ना ये देखो भाई ना इसमें यूरो ठीक ठाक रखे हुए हैं, 50-50 यूरो के ना। आप बोलोगे भाई ये वीडियो इम्पोर्टेंट कैसे होने वाली है, हमको क्या लेना उससे ना आपको पर्स मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरे को कहाँ पे मिला है। ये मेरी गाड़ी की सीट है ना भाई, इसके नीचे ये बिल्कुल दबा हुआ था, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है, देखो भाई आप भी टैक्सी लेते हो जब आप आयरलैंड में फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, आयरलैंड, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी जा रहे हो, फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं कि भाई हम एयरपोर्ट से टैक्सी ले लेते हैं। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम भाई कई लड़के लगा लो आप इवन कि 10% 100 out of 100 है ना आप भूल जाते हो कुछ भी अपनी गाड़ी में, टैक्सी में। और कई बार मेरे को अपनी गाड़ी में मिला भाई अपने देसी भाई इंडिया से जो आते हैं बोलते हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट रह गया गाड़ी में टैक्सी में, तो मैं उसको कैसे कलेक्ट करूँ, कैसे उसको लूँ। तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप कुछ भी लॉस्ट कर जाते हो अपनी किसी भी टैक्सी में, अगर आपने कहीं से लिया तो वो आपको कैसे मिलता है। चलो फिर लेट्स गो। और भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिम के बाद, अभी बस जिम से नहा के भाई आया हूँ, बाल बूल भी नहीं अभी सेट करे। एनीवे ये रही भाई अपने किसी लड़की की पर्स जो मेरे को गाड़ी में मिला है और ये मैंने उसको देने जाना है घर पर ही, उसके घर पर। उसने मेरे को बोला कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आप प्लीज ड्रॉप कर दो। जो टैक्सी मैन क्या करते हैं, अगर आप कुछ भी लॉस्ट कर जाते हो किसी भी टैक्सी में, अगर आपने लास्ट नाइट टैक्सी लिया या फिर वीक बिफोर टैक्सी लिया फिर एयरपोर्ट से आपने टैक्सी लिया, कैसे आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। आप बोलोगे भाई मेरे को क्या लेना उससे ना, मैं तो आ रहा हूँ, मेरे से कुछ लॉस्ट भी नहीं हुआ, इन फ्यूचर भाई हो सकता है। तो फिर देखे वीडियो को और आपको पता लगेगा कि कैसे आपको वो चीज़ मिल जाएगी अगर आप लॉस्ट कर जाते हो टैक्सी में। तो भाई जिसके घर पर मैंने ड्रॉप करने जाना है ना, ये देखो ये लगा हुआ अपना सेट ऑफ, ये दिखा रहा है मेरे को 9 किलोमीटर मेरे घर से ना। तो मौसम भाई जबरदस्त अगेन, एनीवे वो 10 मिनट्स में पहुंच जाना है उसके घर पर, मे बी 15 मिनट्स लग सकते हैं। तो फिर मिलते हैं वहीं पर ही आपको, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, पहले उसको पर्स दे देते हैं जो पहला काम। तो भाई उसको पर्स पहले देंगे ना, फिर बाद में आपको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उसको मैंने फ़ोन करा तो उसको मैंने 10 मिनट बोला है, तो 10 मिनट में मैं उसको मिलूंगा, उसको पर्स दूंगा, फिर आपसे बात करता हूँ। और ये भाई इंटों का पट्टा लग रहा है यहाँ पे ना, तो ये भाई नियरली 2 मिनट का रास्ता रह गया है। तो भाई जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दो, ये जो एरिया है ना ये है बेलीमून है ना, बेलीमून इसको बोलते हैं, फिंगलस के पास ही है। अगर आप आए हो नए और इस एरिया में घर बाय करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि एक तो यहाँ पे अपनी कम्युनिटी की कोई भी दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, और दूसरा भाई यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते अपनी कम्युनिटी के। भाई ये रहा उसका पर्स और आमने सामने से कहीं से आएगा वो, ये उसके घर है। तो भाई फाइनली उसको पर्स दे दिया है और वो इतनी खुश भाई, इतनी खुश मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ भाई, उसकी खुशी देखने से ही बन रही थी, उसके चेहरे से पता लग रहा था भाई, इतना उसने प्राउड फील कराया कि यार नाइस टैक्सी मैन, जेंटलमैन। तो भाई मोस्टली केसेस में क्या करते हैं भाई, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए ट्राई करते हैं। आपको दो चीज़ें करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पासपोर्ट बनवाते हो ना अपना, पिछले साइड देखना पासपोर्ट पे आपकी डिटेल होती है, तो उस पर आपने अपना डिटेल लिख लेनी है, अपनी ईमेल एड्रेस जरूर डालें और उस पर अपना फ़ोन नंबर, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे को तक अगर आपका फ़ोन नंबर इंडियन है तो कोई फॉरनर ड्राइवर है यहाँ पे ना तो वो आपको ट्राई नहीं करेगा कि आपको फ़ोन करें ना, ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल छोड़ सकता है, और अगर आपके पास आयरलैंड नंबर है तो वो आयरलैंड में कॉल कर सकता है ईजिली। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, अगर आप कुछ लॉस्ट कर देते हो टैक्सी में तो आपने टैक्सी ड्राइवर को कॉल तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आपने बुक किया टैक्सी ऐप से टैक्सी आपके लिए तो आप टैक्सी कंपनी को फ़ोन करें, उनको डिटेल पता होती है ड्राइवर की तो वो आपके ड्राइवर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी। दूसरा अगर आपने स्ट्रीट से कोई टैक्सी लिया है
तो आपके पास उस ड्राइवर की कोई डिटेल नहीं होती है, क्योंकि भाई स्ट्रीट से आप टैक्सी ले रहे हो, आपको क्या पता कि कौन है कौन नहीं है, अनलेस अगर आपने उसका नंबर नोट किया हुआ है। हर टैक्सी ड्राइवर के सामने एक शीट लगी होती है जिस पे हमारा नंबर और नाम लिखा होता है। सो आपने हर बार क्या करना है, नंबर वो नोट कर लेना। अगर आप नहीं कर पाए वो नंबर नोट, तो जैसे मेरे को फ़ोन मिला या फिर पर्स मिला या फिर कुछ भी दूसरी चीज़ मिली, तो आपने क्या करना है, गार्ड स्टेशन पे फ़ोन लगाना है, ठीक है। उसको फ़ोन लगाए, वो आपको बताएगा कि आयरलैंड में डबलिन में अगर आप रहते हो ना, तो यहाँ पे 4 या 5 गार्ड स्टेशन है जो लॉस्ट फाउंड एंड लॉस्ट के लिए होते हैं, जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हमको कुछ मिलता है तो हम वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं। तो जैसे मेरे को अगर इस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर ना मिलता तो फिर क्या होता उस केस में, मैंने उस पर्स को गार्ड स्टेशन में छोड़ देना था। फ़ोन खो गया आपका, लैपटॉप हो गया या फिर कुछ भी चीज़ होती है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने गार्ड स्टेशन में फ़ोन लगाना है। वो आपको एनीवे नंबर दे देंगे फ़ोन पर ही कि यहाँ पर जाके आप पता कर लो, इस फ़ोन पे फ़ोन कर लो। तो मोस्टली केसेस में ड्राइवर्स आपकी हेल्प करने के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर आप कुछ लॉस्ट कर देते हो तो आपने सिंपली गार्ड स्टेशन में फ़ोन लगाना है। आज नहीं मिलेगा मे बी, जैसे ये पर्स मेरे को मिला है, ये लास्ट वीक उसने गाड़ी में छोड़ गई है, तो मैं वैसे सफाई करा था गाड़ी के नीचे से सीट वगैरह, तो मैंने देखा तो पता लगा भाई ये किसी का पर्स पड़ा हुआ है। तो मे बी वो हर रोज फोन कर रही थी गार्ड स्टेशन में, तो उसको नहीं मिला क्योंकि ये चीज मेरे को आज ही मिली है। तो आपने क्या करना है, आपने 3-4 दिन रेगुलर उनको फोन करना है और होपफुली भाई आपकी जो कुछ चीज खो जाती है तो वो मिल जाए। लेकिन हर चीज़ पे भाई ट्राई ये करें, जैसे आपका फ़ोन नंबर है उस पे अपना नंबर जरूर लिख ले, मैंने भी लिखा हुआ है। जैसे इसकी स्क्रीन ऑफ रहती है तो मेरा नंबर सामने आ जाता है, आई मीन लाइक मेरी मिसेज का। और अगर आपका पासपोर्ट है या फिर अपनी की है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ भाई इसमें ना एड्रेस मत लिखना की पे ना, तो इस पे आप ना अपना ना फ़ोन नंबर जरूर लिख लेना। मोस्टली जो आपकी चीज़ें हैं ना उन पे अपना ट्राई करके फ़ोन नंबर लिख ले, तो अगर किसी को मिल जाती है गलती से, अगर आप खो देते हो तो आपको इजीली मिल जाती हैं। तो भाई 2-3 चीज़ें हैं इस वीडियो में कि अगर आप टैक्सी ले रहे हो ना, तो एक तो बिहेव करो अच्छे से टैक्सी ड्राइवर के साथ, डजंट मैटर आप आयरलैंड में हो या फिर किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि अगर आप कुछ लॉस्ट कर देते हो गाड़ी में, टैक्सी ड्राइवर आपको फेवर देने की सोचता है, वो सोचता है कि भाई कितना अच्छा नाइस पर्सन था, तो उसकी हेल्प की जाए अगर आप कुछ लॉस्ट कर देते हो टैक्सी में। दूसरा, ट्राई करें कि स्ट्रीट पे टैक्सी लेने के बजाय कोई ऐप डाउनलोड कर ले, ऐप के द्वारा ही आप टैक्सी लें। उसमें क्या होता है कि आपके पास ड्राइवर की सारी डिटेल आ जाती है कि आपने कौन सी टैक्सी बुक की थी और किस टाइम बुक की थी। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो, तो भाई आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर। और हाँ भाई, ट्राई तो यही करें भाई, जब भी आप टैक्सी छोड़ के जा रहे हो, टैक्सी में उतर रहे हो, तो एक बार अपनी सीट्स वगैरह चेक कर लें जरूर हमेशा, क्योंकि फ़ोन का क्या होता है कि फ़ोन साइड में से निकल के नीचे गिर जाता है, तो भाई मोस्टली केसेस में आपको फ़ोन नहीं मिल पाएगा। और हाँ भाई, मेरे को वो दे रही थी 50 यूरो, लेकिन इतने नहीं बनते थे यार, 20 यूरो बहुत थे, इजी मनी।